आज हम बनाएंगे बिना दूध, बिना मावा और बिना किसी कलर के लौकी का बहुत ही टेस्टी हलवा। जब आपका कुछ मीठा खाने का मन करे या फिर अचानक से घर में मेहमान आ जाएं, तो आप ये इंस्टेंट बनने वाला लौकी का हलवा बना सकते हैं। आप मीठे में खीर भी बनाएंगे तो उसको बनाने में भी 20 से 25 मिनट लग सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लौकी का हलवा बनाएंगे तो सिर्फ 10 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए लेंगे 3 लौकी यानी कि 3 घिया, ये वजन में 1 किलो है। लौकी का हलवा बनाते टाइम एक बात का ध्यान जरूर रखना है, कभी कभी लौकी कड़वी भी निकल जाती है, तो हलवा बनाने से पहले लौकी को खाकर चेक जरूर कर लेना है कहीं लौकी कड़वी तो नहीं है। इनको मैंने अच्छे से धो लिया, छीलने से पहले ही इनको अच्छे से धो लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इनको छील लेंगे। ये देखिए हमने तीनों लौकी को छील लिया, अब इसको बीच में से काट लेंगे इस तरह से, और जो ये लौकी का बीच का हिस्सा है इसको काट देंगे, इसको हम हलवे में नहीं डालेंगे। ये कच्ची लौकी है, इसमें पके हुए बीज भी नहीं है, फिर भी इसका बीच वाला हिस्सा काट देंगे। हमने सारी लौकी के बीज निकाल लिए, अब लौकी को दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। हम इसी थाली में लौकी को कद्दूकस करेंगे और अब लेंगे कद्दूकस, मोटे वाले कद्दूकस से ही लौकी को कद्दूकस करेंगे, इस वाले से। अब इनको ग्रेट कर लेंगे, यदि छोटे वाले ग्रेटर से कद्दूकस करेंगे तो हलवा तो बन जाएगा लेकिन हलवा दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मोटे वाले कद्दूकस से ही लौकी को कद्दूकस करना है। दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको ये हलवा बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, और यदि आप लोगों ने मेरा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हमने सारी लौकी को कद्दूकस कर लिया, आप जब हलवा बनाएंगे तभी लौकी को कद्दूकस करना है। यदि लौकी को कद्दूकस करके पहले से रख देंगे तो लौकी बहुत जल्दी काली पड़ जाएगी, तो इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। और अब कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी, आप तेल भी डाल सकते हैं लेकिन यदि देसी घी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इस हलवे में ज़्यादा घी नहीं लगता। अब इसमें डाल देंगे ये लौकी जो हमने कद्दूकस करके रखी है, अब इसको घी में अच्छे से मिला देंगे। लौकी घी में अच्छे से मिक्स हो गई, अब गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और इसको ढककर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन इसको बीच बीच में चम्मच से चलाते ज़रूर रहना है, नहीं तो लौकी कढ़ाई में लग सकती है। जब तक लौकी पकती है तब तक हम हलवे के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट भून लेते हैं। पैन में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, अब इसमें डाल देंगे थोड़े से बादाम, थोड़े से ही डालेंगे काजू, अब इनको भून लेंगे। ड्राई फ्रूट बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप यदि ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, बिना ड्राई फ्रूट के भी ये हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। काजू और बादाम 1 मिनट में ही अच्छे से भुन गए, अब गैस को बंद कर देंगे और अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश, ये गर्म पैन में ही भुन जाएगी, इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को कटोरी में निकाल कर रख लेंगे क्योंकि पैन अभी गर्म है तो ये ड्राई फ्रूट जल सकते हैं। लौकी को भी 4-5 मिनट हो गए पकते हुए, अब इसको चम्मच से थोड़ा चला देंगे। हमने इसको बीच बीच में भी चम्मच से चलाया था, लौकी अच्छे से पक गई। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, इसमें इलायची ज़रूर डालनी है, इलायची से हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ में ही डाल देंगे 7 से 8 चम्मच चीनी, अब इसको अच्छे से मिला देंगे। आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, गाजर के हलवे में तो चीनी कम ही डालनी पड़ती है क्योंकि गाजर भी मीठी होती है, लेकिन लौकी के हलवे में मीठा थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे तो ही हलवा खाने में अच्छा लगेगा। चीनी अच्छे से पिघल गई, अब गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे और अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ये वजन में 100 ग्राम है, इसको साथ में चम्मच से मिलाते भी रहेंगे।
अब गैस को हाई फ्लेम पर रखकर इसको पकाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि दूध डालकर भी तो ये हलवा बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं और हलवा भी बहुत टेस्टी बनेगा, लेकिन दूध को पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इस तरीके से हलवा बहुत जल्दी बनेगा। लौकी तो पहले से ही अच्छे से पकी हुई है, अब सिर्फ चीनी ने जो पानी छोड़ा है उसको ही सुखाना है, इसलिए हमने गैस की फ्लेम को हाई पर रखा है। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसको हमने 2 मिनट पकाया है। आप इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट जो हमने भून कर रखे हैं, इनको अच्छे से मिला देंगे। जब हलवा पकने वाला होगा तभी ड्राई फ्रूट डालेंगे तो अच्छा रहेगा। आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं, ग्रीन कलर, लेकिन हम इसमें फूड कलर नहीं डालेंगे। और जो हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है वो 10-10 रुपये के 4 पैकेट लिए थे मैंने, और यदि इसमें दूध डालेंगे तो 60 रुपये का 1 लीटर दूध आएगा और दूध को पकाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मिल्क पाउडर डालकर बनाएंगे तो फटाफट से ये हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। ड्राई फ्रूट डालने के बाद हमने इसको 1 मिनट और पकाया है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी और डाल देंगे, इसको भी अच्छे से मिला देंगे। लास्ट में आप घी नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। हमने हलवे में चीनी डाली थी तब से और लास्ट तक गैस को हाई फ्लेम पर रखकर ही इसको पकाया है। आपको ये लौकी का हलवा बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हलवा अच्छे से पक गया, अब गैस को बंद कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।